इस वीडियो में हम बात करने वाले दो सिस्टम्स के बारे में। प्राइमरली बात करेंगे मोर्टार सिस्टम को लेके। तो हाल ही में जो एक टेंडर है वो इशू किया गया था एमओडी के द्वारा, जहाँ पे एमओडी देख रही थी तकरीबन 50 के नंबर में जो व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम है यानी कि VMIMS उसको प्रोक्योर करने के लिए इंडियन आर्मी के इस्तेमाल के लिए। और यहाँ पे जो कैटेगरी मेंशन की गई थी वो बाय इंडियन कैटेगरी थी। तो इस तरह के जो 50 व्हीकल हैं वो प्रोक्योर होने थे। और इसको एंटिसिपेट करते हुए एक सिमिलर जो प्रोडक्ट है वो हमें देखने को मिला था डिफेंस एक्सपो में, जहाँ पे जो कोलैबोरेशन है स्पेनिश कंपनी एल्करान के NTGS प्रोडक्ट का, जो कि एक मोबाइल मोर्टार सिस्टम है। तो उस प्रोडक्ट का जो कोलैबोरेशन है महिंद्रा के ALSV व्हीकल पे, जिस व्हीकल को अर्माडो का नाम भी दिया गया है, तो उस पर जो मोर्टार सिस्टम की माउंटिंग है वो करके प्रेजेंट किया गया था डिफेंस एक्सपो में। तो हाल ही में इस व्हीकल का जो ट्रायल है वो आर्मी के साथ कंडक्ट होता हुआ दिखा है। तो जो एक पॉसिबिलिटी है और स्पेकुलेशन है कि जो तैयारी है 50 इस तरह के व्हीकल को प्रोक्योर करने की वो आर्मी कर रही है, तभी जो ट्रायल है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। अगर NTGS मोबाइल मोर्टार सिस्टम की बात करते हो तो OEM ने इसको माउंट किया था टोयोटा के व्हीकल पे, लेकिन इंडियन वेरिएंट में यह माउंट है महिंद्रा के ALSV पे। तो इस तरह के जो मोर्टार सिस्टम होंगे उससे क्या एडवांटेज आपको मिल सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। प्राइमरली अगर मोर्टार सिस्टम की बात करोगे तो ये जो तकनीक है वो काफी पहले इन्वेंट हो गई थी, और तब से लेके आज तक कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज है इस टेक्नोलॉजी में या फिर इसके डिप्लॉयमेंट में वो आपको नहीं दिखा है। तो एक तरह से जो डिजिटाइजेशन है मोर्टार सिस्टम का वो यहाँ पे किया जा रहा है, जिससे कि कहीं जो डिप्लॉयमेंट टाइम होगा और एक्यूरेसी होगी ये सब चीजें बढ़ेगी। ऑपरेशन की बात करते हो तो इससे पहले इनको ऑपरेट करने के लिए जो मोर्टार सिस्टम होगा उसको आप व्हीकल से कैरी करके ले जाओगे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, और वो जो पर्टिकुलर लोकेशन होगी वो आपने फाइंड की होगी एक ऐसे टारगेट को हिट करने के लिए जो कि उस लोकेशन से रीचेबल हो, आपके मोर्टार की रेंज में हो। अगर मोर्टार के कैलिबर की बात करोगे तो जो चीज ऑफर किया गया है व्हीकल पे माउंट करके वो स्वैपेबल है 81mm या फिर 120mm बैरल। तो जो बैरल है वो यहाँ पे चेंज किया जा सकता है 2 से 3 मिनट के अंदर, तो वो चीज इशू नहीं है। तो जो कन्वेंशनल इस तरह के सिस्टम थे उनका व्हीकल से कैरी करके ले जाते थे एक लोकेशन पे, और उस लोकेशन से जो आपका टारगेट है वो रीचेबल होता था। अगर 81mm सिस्टम है तो जो रेंज होगी वो 5 to 6 किलोमीटर हो सकती है, अगर 120 है तो वो अप टू 8 किलोमीटर तक जा सकती है। तो कन्वेंशनल सिस्टम में आप इसको कैरी करके ले गए व्हीकल से, आपने इसको डिप्लॉय करने के लिए और फायरिंग पोजीशन को अचीव करने के लिए जो ग्राउंड है वहाँ पे आपने गड्ढा खोदा ताकि जो बेस प्लेट है वो एस्टेब्लिश कर दिया जाए और जो रिकॉयल शॉक है वो कम अचीव हो, जिससे कि जो स्टेबिलिटी है वो आप अचीव कर पाए। तो ये सारी चीज आपको करनी पड़ती थी। तो कहीं के जो हैवी वर्क है वो यहाँ पे लग रहा है, और जो डिप्लॉयमेंट टाइम है वो भी ज्यादा जा रहा है, क्योंकि आपको डिगिंग करनी पड़ेगी और एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे सरफेस हार्ड है तो वहाँ पे वो जो स्टेप है डिगिंग का वो और भी टीडियस हो जाता है। और एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो कन्वेंशन तरीका था उसमें ये जो नया सिस्टम है वो चेंज लेके आएगा। तो यहाँ पे इस सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ पे व्हीकल पे 3 मुख्य चीजें हैं। पहला और प्राइम हो जाता है फायरिंग यूनिट, जो कि एक इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रोनोमेटिक सिस्टम के साथ, मतलब बैरल को माउंट किया गया एक ऐसे प्लेट पे जो कि बैरल को रोटेट कर पाएगा आर्म की हेल्प से, और जो बैरल के नीचे बेस प्लेट है उसको अटैच कर दिया गया है एक इलेक्ट्रोनोमेटिक सिस्टम से। तो जैसे जो फायरिंग लोकेशन है, जो टारगेट की लोकेशन है वो आपको मिल जाती है। और टारगेट की लोकेशन आपको कैसे मिलेगी, जैसे कि आपका स्वाथी रेडार हो गया, उसने आपको एनिमी के जो एमुनिशन है उनके जो इक्विपमेंट है वो कहाँ से फायर हो रहे हैं उसकी लोकेशन आपको दे दी। लोकेशन मिलने के बाद लेजर रेंज फाइंडर से जो टारगेट है वो आपने पता कर लिए हैं, और उस टारगेट को हिट करने के लिए जो प्रॉपर लोकेशन क्या होगी वो आपको पता चल गई है, तब जो व्हीकल है वो वहाँ पे ले जाओगे उस लोकेशन पे। और इस सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए जो हाइड्रोनोमेटिक आर्म है वो आप एक्टिवेट करोगे, वो यहाँ पे लॉन्चर को पिकअप ट्रक से नीचे उतारेगा और डिप्लॉय करेगा। और इस पूरे एक्टिविटी में 40 से 45 सेकंड जाएंगे। एक बार जो लॉन्चर है वो डिप्लॉय हो जाते हैं तब वो अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा कि जो पर्टिकुलर टारगेट है उसको हिट करने के लिए कौन से एंगल पे लॉन्चर रहना चाहिए, मतलब ये एमिंग खुद ही कर सकता है सॉफ्टवेयर से कैलकुलेशन के बाद। तो इसका जो फायर कंट्रोल सिस्टम है वो काफी एडवांस है, और इस फायर कंट्रोल सिस्टम में जो डेटा है उस पर्टिकुलर जोन के जो मैपिंग है वो सब इंसर्ट रहेगी, और जो सॉफ्टवेयर होगा वो कनेक्टेड रहेगा कमांड सेंटर से। तो मैप में खुद ही जो डेटा फीड है, टारगेट का डेटा फीड है वो करके जो बैरल की रोटेशन है वो होने लग जाएगी। फिर जहाँ पे आपका लॉन्चर है वो तैयार रहेगा फायरिंग के लिए, और वहाँ पे आप अम्युनिशन उठा के बैरल के अंदर डालोगे तब जो टारगेट पे फायरिंग है वो की जाएगी। तो एक लोकेशन पे फायरिंग के बाद जो इसकी रोटेशनल प्लेट है तुरंत घुमा के ले जाएगी दूसरे लोकेशन पे, अगर आपने जो दूसरा लोकेशन है टारगेट का वो फीड किया हुआ है तो। और ये चीज करने में 1 से 1.5 मिनट लगेंगे, मतलब एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करके अगर आप दूसरे टारगेट पे मूव करना चाह रहे हो तो इसमें 1 मिनट से कम का टाइम जाएगा। अगर सेम लोकेशन पे आपको फायर करनी है एक शूट के बाद तो उसमें 8 सेकंड लगते हैं। और एक बार जो फायरिंग है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने कर दी तो उसको फोल्ड करने के लिए, दोबारा से लॉन्चर को व्हीकल में लोड करने के लिए आपको 25 से 30 सेकंड लगेगा। तो आप तुरंत इनको लोड करके उस लोकेशन से निकल लोगे। और ये चीज इसलिए भी क्रूशियल है कि अगर आप लोकेशन से हट जाओगे तो जो एनिमी की काउंटर फायरिंग होगी उसको लेके आप स्टाइल दी रहोगे, क्योंकि आपने जो लोकेशन है वो काफी कम समय में चेंज कर ली।
जो कि कन्वेंशनल सिस्टम के साथ पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे आप ऑलरेडी सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए ग्राउंड में जो डिगिंग है वो कर चुके होते हो और उन सबको डिटैच करने में जो टाइमिंग है वो जाएगी, तो इसीलिए उस केस में आप सेफर ऑप्शन चुनते हो फायरिंग के लिए। लेकिन इस केस में नए व्हीकल के साथ आप जितने क्लोजर पॉसिबल है उतने क्लोजर जा सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है वहाँ से तुरंत निकलने का। यहाँ पे जो फायरिंग रेट कैपेसिटी है वो भी आपको हायर मिलेगी, मतलब जो रेट ऑफ फायर है वो हायर है, 12 राउंड ऑफ फायर कर सकते हो पहले मिनट में। और यहाँ पे जो एक्यूरेसी अचीव होगी वो 2 मिल से नीचे की है, तो हाईली एक्यूरेट सिस्टम है ये, क्योंकि जो स्टेबलाइजेशन है और जो रिकॉयल है उन दोनों को आप मैनेज कर रहे हो। तो यहाँ पे थॉट ये भी थे कि जो लॉन्चर है उसको आप ग्राउंड पे आने ही क्यों दे रहे हो, क्यों ना हम लॉन्चर को व्हीकल पे रख के ही फायर करें। तो उस केस में क्या होगा कि जो रिकॉयल होगा वो काफी हैवी होगा और जो व्हीकल का स्ट्रक्चर होगा वो आपको वैसा ही देना होगा। तो अगर आप इसको व्हीकल पे माउंट करते हो तो व्हीकल के लिए जो आउट ट्रिगर्स हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे, और आउट ट्रिगर्स को लेकर हम सभी अवेयर हैं कि उसको भी डिप्लॉय करने में जो टाइम है वो जाता है। तो इसलिए जो यहाँ पे लॉन्चर है उसको एक सेपरेट मैकेनिज्म दिया गया है, इलेक्ट्रोमैटिक मैकेनिज्म, जिससे कि वो डिप्लॉय किया जा सकेगा। वेरियस तरह के जो अजमत और एलिवेशन है उसको लेके आप फायरिंग कर सकते हो, वो चीज यहाँ पे एडजस्टेबल है। उसके लिए पर्टिकुलर जो आर्म है रोबो आर्म वो दिया गया है। बैरल यहाँ पे इंटरचेंजेबल है, अगर आप चाहते हो कि आप 81 mm फायर करो तो वो कर सकते हो, चाहते हो कि 120 mm फायर करो तो वो भी किया जा सकता है। तो बैरल यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो 2-3 मिनट में। सिस्टम को लेकर जो मोबिलिटी है वो आप यहाँ पे हायर अचीव कर रहे हो। इस सिस्टम की बात करोगे तो 1000 जो टारगेट है वो प्री मिशन में आप सेलेक्ट कर सकते हो, और एक बार में तकरीबन 8 टारगेट को आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो अपने डिस्प्ले पे। और जो मिसहैप है फेलियर के चांस है वो भी यहाँ पे कम है। अगर 81 mm मोर्टार की बात करोगे तो उस तरह के जो 72 राउंड है वो आप कैरी कर सकते हो एक बार में। अगर यहाँ पे जो बैरल है वो 120 mm है तो आप जो 40 राउंड है वो आप कैरी कर सकते हो, या फिर इन दोनों का जो एक मिक्स है वो आप कैरी कर सकते हो अगर आप बीच में बैरल चेंज करना चाहते हो तो। सो ये कुछ एडवांटेज है स्पेशली डिप्लॉयमेंट टाइम और मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां से मिलेंगे कन्वेंशनल मोर्टार सिस्टम्स पे। तो हाल ही में इसको ऑफर किया गया था, और यहां पे आर्मी भी तकरीबन 50 के नंबर में जो इनिशियल ऑर्डर है वैसे सिस्टम को लेके देख रही है देने को। सो होपफुली जो इस तरह के सिस्टम के ट्रायल है वो जल्द कंडक्ट हो और डिप्लॉयमेंट आपको देखने को मिले। अगर जो रिजल्ट हैं पॉजिटिव रहते हैं तो ऐसे जो इंडिजिनस सिस्टम है वो भी आपको दिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।